तो और मेरे भाई लोग, स्वागत है आप सबका एक और से लेटेस्ट नज़र वीडियो में। तो कैसे हो यार आप सब लोग। तो गाइज, अभी जो फ्री फायर जो है बैन हो चुका है और मुझे नहीं पता कि कब आएगा और कैसे आएगा। इमोशनल डैमेज, ये सब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी जो फ्री फायर का हालत है ना, इतना गंदा है कि क्या बताओ जाए। कि इतने हैकर्स आ रहे हैं ना, इसलिए मेरा गेम खेलने का मूड ही बदल गया और मैंने सोचा फ्री फायर नहीं, कुछ और गेम खेलते हैं आज। तो इसीलिए मैं निकल गया प्ले स्टोर पे कुछ अच्छा सा गेम ढूंढने के लिए। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना टट्टी गेम सर्च किया जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब जैसे मैंने सर्च किया, मेरे सामने आ गया ये गेम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को ट्राई किया जाए। तो मैं फटाफट इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने इस गेम को ओपन किया, मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया। तो मैं इधर से राइट प्ले पे क्लिक कर दिया इधर से, और इसका राउंड ऑन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसका गेम खेला ना, ये क्या है, मतलब टट्टी फेंक के मारना होता है इस गेम में सबको, और इनको टट्टी लग रहा है और ऐसे गिर रहा है जैसे बड़ा बड़ा मिसाइल आके लग रहा है इनको। देखो कैसे गिर रहा है ये, उठा के मार दे, अब लग गया। और इस बुड्ढे चचा को देख लो, टट्टी इधर उधर फेंक रहा है, बदबू भी नहीं आ रहा, बैठ के बस न्यूज पेपर ही पढ़ना है इसको। कौन है, किसने टट्टी फेंका, छोड़ो मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। आज का मुख्य समाचार कि मैंने D2R को सब्सक्राइब कर लिया है। तो देखो यार, ये अंकल भी मतलब चचा भी मैं दद्दू भी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तो यार आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। तो खैर, हमको खेलने के बाद मैं सीधा प्ले स्टोर में जाता हूँ और इस गेम को जो सीधा अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और इस गेम के कान में बहुत जोर से बोलता हूँ, पहली फुर्सत में निकल। तो इस गेम को ट्राई करने के बाद मुझे याद आया कि अरे मैं तो MCU में आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्यों ना उसका गेम ट्राई किया जाए। फिर मैं सीधा प्ले स्टोर पर जाता हूँ और आयरन मैन सर्च कर देता हूँ, और इधर मेरे को एक गेम मिलता है। तो इस गेम का पोस्टर देखने के बाद मुझे लगा, आए हाय, मेरे इतने सालों की कड़ी तपस्या पूरी हो गई हिमालय में बैठ बैठ के, मुझे मेरे मनपसंद आयरन मैन गेम मिल गया। और गेम का नाम देख रहे हो, आयरन सुपर हीरो क्राइम वॉर गेम। और मैंने अपने 239 रुपये के से रिचार्ज में से 1.5 GB में से 46 MB गेम को दिया, क्योंकि मुझे लगा था ये गेम बहुत अच्छा होने वाला है। और मैंने इस गेम को ओपन कर लिया। फिर मेरे सामने आज कुछ लोगो आए जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार क्या गेम बनाया है डेवलपर्स ने। मतलब अंदर से आयरन मैन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैं भी आयरन मैन बन चुका हूँ, अब मैं भी PC वाला गेम अपने फ़ोन में खेल सकता हूँ। पर लेकिन पता नहीं इसमें इतने ऐड क्यों दे रहे। और बहुत 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 इंतज़ार के बाद, बहुत बहुत इंतज़ार के बाद, 2000 years later, आयरन मैन मुझे अपना घटिया डांस दिखाता है। और ये डांस देखने के बाद आई वाज लाइक, तो इतना ऐड वगैरह देखने के बाद, घटिया डांस देखने के बाद, फाइनली ये गेम का स्टोरी मोड चालू हो जाता है। और इस स्टोरी को देखने के बाद ना मुझे लगा, अबे मैं तो गलत सोच रहा था, ये गेम तो बहुत अच्छा है, इसका स्टोरी मोड कितना बढ़िया है, आप भी देख लो जरा। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तो ये सब कांड देखने के बाद मुझे लगा आयरन मैन उड़ता हुआ जाएगा और इन सब की धोती फाड़ देगा, लेकिन ये क्या, आयरन मैन तो उड़ भी नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश किया, ये क्या पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन आयरन मैन उड़ ही नहीं रहा था। और आखिर में मेरे को दिखता है बाइक वाला ऑप्शन, मतलब कुछ भी यार, आयरन मैन बाइक चला के जाएगा उधर तक। मतलब सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। बेइज्जती कर दे रहे हो तुम लोग आयरन मैन की। अब मैंने बोला जो भी हो, बाइक चला के जाओ या फिर कार चला के, लेकिन उन बंदों के पास पहुँच के ना उनको, उनका जो फाइटिंग स्किल है वो मुझे देखना है। इसलिए मैंने अपना बाइक छोड़ के ये गाड़ी खरीद ली, मतलब ले लिया, उधर ऑप्शन में दिखा था तो टच कर दिया, आ गया पता नहीं कैसे। तो इसको बहुत बहुत मुश्किल से ढूंढा, लेकिन कार से टक्कर में फिर भी नहीं फूटा ये बंदा, पता नहीं क्या हुआ। फिर मुझे दिखा इधर बहुत सारे ऑप्शन में क्लिक किया, पता नहीं क्या क्या फेंक रहा था इसमें, और ये था इसका फाइटिंग स्किल। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
तो गाइस मेरा जो 1.5 GB में से 46 MB जो वेस्ट हो चुका है, और मुझे इन वालों पे गुस्सा आ रहा है कि क्या 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 वाना थे ये लोग यार, एक अच्छा गेम तक नहीं है प्ले स्टोर में। तो फिलहाल मैं अपने आप को और अत्याचार में नहीं डाल सकता, इसलिए आज का वीडियो बस यही तक रख रहा हूँ। और मैं ना जा रहा हूँ और किसी गेम के लिए अपना फ्री फायर, इसे पता नहीं कब अनबैन हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द आगे हो जाएगा। तो बस पेशेंट रख के देखते हैं कि कितने देर तक, मतलब कितने दिन तक अनबैन हो जाएगा। तो बाय बाय गाइस।